कनाडा में रह रहे भारतीय सिंगर एपी ढिल्लों के घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग होने का दावा किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य रोहित गडारा के नाम से वायरल एक पोस्ट में ये दावा किया गया है। वायरल पोस्ट में दावा किया गया है कि फायरिंग एपी ढिल्लों के घर के बाहर की गई है। कनाडा के वैंकूवर में उनका घर है। पोस्ट में लिखा, राम राम जी सारे भाइयों को। 1 सितंबर की रात कनाडा में 2 जगह पर फायरिंग हुई है, विक्टोरिया आइलैंड और वुडब्रिज टोरंटो। दोनों ही जिम्मेदारी मैं, रोहित गडारा, लॉरेंस बिश्नोई गैंग लेता हूँ। पोस्ट में आगे लिखा, विक्टोरिया वाला घर एपी ढिल्लों का है, ये नाचार बड़ी फीलिंग ले रहा है सलमान खान को गाने में लेकर। तेरे घर आए थे या तो फिर आता बाहर और दिखाता अपने एक्शन करके, जिस अंडरवर्ल्ड लाइफ की तुम लोग कॉपी करते हो, हम असल में जी रहे हैं वो लाइफ। अपनी औकात में रहना वरना कुत्ते की मौत मरोगे। 9 अगस्त को एपी ढिल्लों ने सलमान खान और संजय दत्त के साथ ओल्ड मनी नाम का एक गाना बनाया था। इस गाने की वीडियो में वॉयलेंस दिखाया गया था, साथ ही कथित तौर पर गैंगस्टर्स की लाइफ के बारे में बताया गया है। सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से पहले ही धमकी मिल चुकी है। कुछ समय पहले मुंबई में सलमान खान के घर के बाहर बाइक सवारों ने फायरिंग की थी। इस घटना की जिम्मेदारी भी फेसबुक पर लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने ली थी। बाद में सलमान खान की सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई है। सुरक्षा एजेंसियां एपी ढिल्लों से जुड़ी पोस्ट और फायरिंग की अभी पुष्टि नहीं की है। कनाडा पुलिस ने भी अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। सिनेमा से जुड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।